सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं एक बार फिर से। मैं अनिल कुमार यादव सूरज, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं CHS एंट्रेंस एग्जाम के एक चैप्टर के बारे में। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। CHS एंट्रेंस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, क्लास 9th मैथ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अब उस मैथ में कौन से चैप्टर हैं? वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो क्लास 9th के स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो ध्यान से समझ लीजिए CHS एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो इसमें फंसने के अधिक चांसेस होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा वर्ग एंड वर्गमूल में वो ऑटोमेटिकली इसमें फंसने के बहुत चांसेस होंगे जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग क्या होता है वर्ग बता लेते हैं, फिर वर्गमूल बता लेते हैं, तो उसके अनुसार हम क्वेश्चन को बताना शुरू करेंगे। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 2। जैसे अगर हम x के पावर 2 लिखेंगे तो ये कह सकते हैं कि x का वर्ग है, ठीक है। या 3 का अगर वर्ग देखा जाए तो क्या होना चाहिए, तो 3 का वर्ग ये होगा और इसका गुणनखंड देखा जाए तो 3×3=9। तो वर्ग आप लोग को पहले से ही पता होगा क्या होता है। चलिए अब वर्गमूल बताते हैं। वर्गमूल, अब वर्गमूल क्या होता है कि जो वर्ग है उसके विपरीत वर्गमूल होता है। जैसे अगर x का वर्ग होता है एक्स स्क्वायर, तो जो x है ये हमारा क्या है, x स्क्वायर का वर्गमूल है। मतलब रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो वह हमें मिल जाएगा x। तो वर्गमूल का चिन्ह क्या है, रूट, और वर्ग का चिन्ह क्या है, पावर 2। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। या इसको अगर पावर के रूप में इसको लिखा जाए रूट को, तो इसका पावर होता है 1/2। तो ये चीज़ तो बेसिक चीज़ है, इसमें कोई ध्यान देने वाली बातें नहीं है। अब हम क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे जो अलग अलग प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 56 का स्क्वायर - 55 का स्क्वायर का मान है। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है a²-b² का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। a²-b² बराबर होता है a+b और a-b। आपको बीजगणित का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। तो ये a है और ये b है, इसको बना लेंगे और लिखेंगे a+b, मतलब 56 + 55 लिखेंगे, ठीक है। और उसी के साथ a-b, मतलब इसी चीज को एक बार घटाना करेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो दोनों आ जाएगा 111, और इसको घटाएंगे तो (1), इसको दोनों का गुणा करेंगे तो 111। अगर ऑप्शन में आपको टिक दिया रहेगा कि ऑप्शन में ABCD में कोई भी अगर 111 रहेगा तो आप टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 में देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। a²-b² फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद +1 को छोड़ देते हैं बाकी में, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। तो a+b पहले बनाएंगे, 65 + 64 a+b और a-b, ये हो गया a+b a-b, और बाद में बचा हुआ है a, मतलब 1 स्क्वायर, तो इसको छोड़ देंगे, 1² का 1² करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 129, और इसको घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 का गुणा 129 में 129 हो जाएगा और +1। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 130। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है, ए नंबर सही है, टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में क्या है, यदि 65² - 60² = 55² - 50² (x), तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x का मान हमें बताना है। तो क्या करेंगे, a²-b² ये दिख रहा है, तो हमें बनाएंगे 65 + 60, मतलब a+b और a-b इसको बना लेते हैं, उसके साथ साथ = 2। अब इसमें भी a²-b² दिख रहा है, तो इसको भी बनाएंगे 55 + 50, और एक बार करेंगे 55 - 50, करने के बाद इन सभी का गुणे x दिया गया है क्वेश्चन में, वो लगा लेंगे। अब देखिए, हमें x की वैल्यू ज्ञात करना, तो इसको हम डिवाइड में भेज देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा हमारा 125, और गुणे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5। इसको डिवाइड में लेकर आएंगे नीचे, तो 55 और 50 को जोड़ देते हैं तो 105, और गुणे घटाएंगे तो आ जाएगा 5, बराबर बचा हुआ है x, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 125 में 105 है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो x का मान मिल जाएगा
25 बट्टे के 21, ठीक है, ये मिल जाएगा आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। 25 बटे 21 सी नंबर टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में 12 बटे रूट 324 प्लस रूट 144 बटे 18 का मान होगा। तो इस कंडीशन में बस छोटा सा काम करना है, इस रूट से बाहर हमें निकाल देना है, मान आ जाएगा। देखिए 12 बटे 324 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 18 का वर्गमूल, मतलब 18 गुणे 18 अगर दो बार करेंगे तो ये हो जाएगा 324। अगर ये रूट में रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, और ये बाहर आएगा तो मिल जाएगा 18, ठीक है, तो 18 हो गया प्लस, अब इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 12 बटे 18। एलसीएम समान है तो हम एक बार एलसीएम लेंगे 18, 12 12 24, इसको 6 से काट देंगे तो 6 चौके 24, 6 त्रिके 18, 4 बटे के 3, बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, x की वैल्यू पूछ रहा है कि इस x की वैल्यू क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसमें देखिए 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स बराबर है 320 के, दोनों में रूट एक्स दिख रहा है उसको कॉमन कर लीजिए तो मिल जाएगा 48 प्लस 32 बराबर के 320। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो रूट एक्स बराबर इसको डिवाइड में भेजेंगे 320, अब ये जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 80, ठीक है, हम नीचे भेज दिए। अब इसको हमें डिवाइड करना है तो रूट एक्स बराबर इसको काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा, 8 चौके 32 00 कट जाएगा, 4 बार में मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 16, ये हो जाएगा ऑप्शन में। देखते हैं डी नंबर सही है, टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64.32 बटे के x इजिकल टू 4 चौके 16, और इधर इस साइड लेफ्ट साइड रूट हट जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को यहाँ पे पछांतर कर लेते हैं तो 64.32 बटे 16 बराबर x, इसको यहाँ पे रख लिए। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो x की वैल्यू अगर हम काटेंगे 16 चौके 64 16, अब इसमें डिवाइड देंगे तो नहीं जाएगा तो यहाँ पे 4.02 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, उसे आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 में, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे रूट एक्स ये वाला भी है और रूट जेड, तो यही बताना है हमें एक्स बटे जेड का मान क्या होगा, और चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो देखिए इसमें हम इसको पहले क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 0.9 गुणे 0.09 और अंडर रूट एक्स, इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, इजिक्वल टू 0.9 गुणे 0.09 इंटू रूट जेड, ठीक है, हमें ये इसके अपान लाना है तो क्या करेंगे, इसको इधर पछांतर करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो रूट एक्स बटे रूट जेड, हम इसको नीचे ला दिए और इसको इसके डिवाइड कर लेते हैं, 0.9 गुणे 0.09 बटे रूट 0.9 गुणे 0.09, ये तो हो गया। करने के बाद आपको सिंपल से एक तरीका काम करना है, ऊपर नीचे इतने का मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ पर में गुणांक, 0.9 गुणे 0.09 बटे वही चीजें फिर से गुणा करना है, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे देखिए एक चीज मिलेगा, ऊपर का ऊपर ये छूट जाएगा, नीचे रूट रूट से हट जाएगा तो ये एक बार हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 0.9 गुणे 0.09, ये बचेगा रूट में, अब ये इन दोनों से मिलकर कट जाएगा, इतना बचा किसके बराबर, x बटे जेड, ये दोनों रूट में। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, x बटे के जेड बराबर रूट रूट से हट जाएगा 0.9 गुणे 0.09, ये चीज़ें मिल गई। अब यही चीज़ें देखिए ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा तो 9981 गुणा कर लेते हैं तो 9981 आपका आ जाएगा 0.081, ये ऑप्शन में दिया गया है तो टिक कर लीजिएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है, ए नंबर सही है, आप इसे टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में पेड़ों की कुल संख्या कितना होगा। तो इस इन सभी में देखा जाए तो एक कहानी तरह एक लिखा गया है, लेकिन यही केवल अंक दिया गया है, इसी को हमें हल करना है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा
17956 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 134। आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो वहीं आप आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4, 5, 6, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मतलब इन सभी से विभाजित होने वो कौन सी संख्या इसमें होगी, तो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका है, आप इन सभी का लसा ले लीजिए, किसका 4, 5, 6, 15 और 18, इन सभी का लसा आप ज्ञात कर लीजिए। लसा ज्ञात करने के बाद डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा तो इन सभी का आप लसा अगर निकालेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, मिलेगा 2×2 × 3 × 3 × 5 ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 2×2 = 4, 3×12 = 36, 36 में 5 गुणा करेंगे तो हमें ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर एक 5 और जोड़ा बना लेते हैं, देखिए जोड़ा तो बन गया लेकिन इसका एक घट रहा था, अगर जोड़ा बना लेते तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। अब इन सभी को गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 900। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, डी नंबर टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, कोई घन संख्या अपने व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर है, तो मान लीजिए वो घन संख्या x है। सबसे पहले हम घन संख्या x मान लेंगे, तो व्युत्क्रम के मतलब इसके व्युत्क्रम के, तो संख्या तो है, अब उसके व्युत्क्रम के 64 गुने, तो उसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लेना है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 64 और एक्स बराबर ये इधर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा 8×8 = 64, मतलब एक्स बराबर 8। बी नंबर आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 128/√1024/√256/28, तो हमें जो रूट दिया गया उसको बाहर निकालना है, डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। तो 128/1024 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है आपका 32 का, 32 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1024 मिल जाएगा। डिवाइड है लगा लेते हैं, 256 हमारा 16 का वर्गमूल होता है बट्टे के 28, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाग है तो भाग को हमें गुणा बदलना पड़ेगा, तो लिखेंगे 128/32 गुणा करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा गुणा के रूप में। अब इसको काटना है तो काट लेते हैं, अगर काट पीट करते हैं तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट का डायरेक्ट आंसर 7। 7 ऑप्शन में देखते हैं, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, रूट में दे दिया रहेगा कोई अंक और उसका मान क्या होगा, ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंक दिया गया केवल उसी को लिखना है और किसी को नहीं लिखना है, अंक ऊपर लिखेंगे बाकी सभी को भूल जाएंगे, और नीचे क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 जीरो बढ़ाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि 6 स्थान के बाद ही दशमलव हमारा लगा है, तो 6 जीरो बढ़ाएंगे, अगर ये दशमलव यहाँ रहता तो हम बढ़ाते 4 जीरो, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, अब देखिए इस 1764 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको मिल जाएगा 2×2 × 3×3 × 7×7, इन सभी का टोटल गुणांक करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1764। ये चीजें कैसे करेंगे, गुणनखंड आपको करना पड़ेगा, बट यहाँ पे 6 जीरो है तो 6 जीरो को हम बाहर निकालेंगे वर्गमूल से तो हमें 3 जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2, 3, 7 अलग अलग मिल जाएंगे बट्टे के 1000। अब 2×3 = 6, 6×7 = 42, 42/1000, मतलब यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव हमें लगाना पड़ेगा, तो 1, 2 तो ये पहले से ही है, 4, 2 पहले से ही है, 1, 2 एक स्थान और ले लेते हैं, 3 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आते हैं कौन सा सही है, सी नंबर आप सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका मान बताना होता है, तो क्या करेंगे, तो इन सभी क्वेश्चन में हम लास्ट से हल करते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं, 324 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है आपका 18 का, तो लिखेंगे 18+, और ये बाकी वैसे छोड़ देंगे सेम का सेम, 424+√271 और +18, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 424, अब प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल का टोटल मिल जाएगा 289, और 289 रूट से बाहर निकालेंगे तो मिल जाएगा 17 का वर्गमूल होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 441, ये रूट में मिल जाएगा। अब ये किसका वर्गमूल होता है, इसको बाहर निकालेंगे तो 21 का ये वर्गमूल होता है, 21। बी नंबर आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14, 28 62 25 का वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल आपको पूछा है, तो वर्गमूल निकालने आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक सिंपल सा तरीका है, आप इन सभी में ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कौन सा सही है तो उसी को चूज कीजिए और उसको दो बार गुणा कीजिए। अगर ये मान लीजिए आपको लगता है कि ये सही है तो इसको दो बार गुणा कीजिए, 335 गुणे 335। अगर इन दोनों को गुणा करने पर ये आ जाता है तो ये ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन देखा जाए तो ऑप्शन ये सही है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट हल करके दिखाएंगे। 28 62 25 इसका वर्गमूल निकालेंगे कैसे, हम भाग विधि से निकालेंगे, डबल जोड़ा यहाँ पे बनाएंगे और इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे पांच बार जाएगा, 5 पचे के 25 मिल जाएगा 3, और इसके बाद यहाँ पे पांच बार गया तो 5 इसमें जोड़ भी देंगे, 5 5 10 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ा उतारेंगे 62, अब कितने बार जाएगा, अब यहाँ पे 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 तरीके 9 और 0 3 एकम 3। अब इसको घटा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 9 3 12 और यहाँ पे 5 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे 25 ये उतर जाएगा पूरा का पूरा, तो 3 3 6 0 1। अब कितनी बार जाएगा, अब देखा जाए तो 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 5 5 का पूरा गुणा करेंगे तो 5 5 के 25, 5 6 के 30, 2 32 के 2, 3 हासिल और ये हो जाएगा 53। टोटल का टोटल कट जाएगा, मतलब हमें मिल जाएगा 535। ऑप्शन में रहेगा, आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर बराबर रूट 17424, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मान बताना है तो क्या करेंगे, अब देखिए ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 17424। ये रूट हट गया, फिर एक्स स्क्वायर बराबर ये रूट हो जाएगा 17424। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि अपनाएंगे और भाग विधि के लिए हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा, ये जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पे वन सिंगल हो जाएगा, तो एक बार जाएगा एक एकम के एक, ये कैंसिल हो जाएगा और एक एक जोड़ेंगे दो। अब जोड़ा उतार देंगे तो 74 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब देखा जाए तो 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6। अब इसको घटा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 5 और यहाँ पे जोड़ा उतारेंगे 24 और 3 3 6 और 2। अब कितनी बार जाएगा, अब देखा जाए तो हमें 2 बार लगभग चला जाएगा, तो 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 5। ये पूरा का पूरा अगर कट जाता है तो हमारा टोटल का टोटल वर्गमूल जो आएगा 132 आ जाएगा। आप सब पे आते हैं तो बी नंबर आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी वीडियो समझ में आया होगा। इसके अगले चैप्टर को देखने के लिए आप हमें कमेंट भी बताइएगा ताकि आपको और भी वीडियो इस तरह से दिया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।